पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2014 में कांठ थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर चंदेरी गांव में मंदिर के ऊपर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद मामले में मंगलवार को ACGM MP MLA कोर्ट में पंचायती राज मंत्री नगर विधायक के साथ 72 आरोपित पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपित को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट में फैसले को लेकर सुबह से माहौल गर्म था। जैसे ही कोर्ट ने आदेश सुनाया उसके बाद सभी के चेहरे में मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। सपा सरकार के कार्यकाल में कांठ के अकबरपुर चंदेरी गांव में मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसी मामले को लेकर 4 जुलाई 2014 को एक पक्ष ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के दौरान विवाद हो गया था। भीड़ ने पथराव किया तो बचाव में आए पुलिसकर्मियों ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके कारण रेल यातायात घंटों तक ठप रहा। पथराव और मारपीट में पुलिस प्रशासनिक अफसरों के अलावा तमाम लोग चोटिल हो गए थे। इसी घटना में तत्कालीन DM चंद्रकांत को भी चोटें आई थी। इलाज के दौरान उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी। कांठ थाना पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें एक मुकदमे में मौजूदा पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता के साथ ही 70 लोग आरोपित थे। बीते 22 दिसंबर को कोर्ट में 24 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इस मामले में मंगलवार को फैसला आया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया है। मंदिर के संबंधित विवाद का मामला था, उसमें सभी को आरोपियों को दोष मुक्त करा गया है। बाकी निर्णय अभी देखा नहीं गया है, उसका अवलोकन करने के पश्चात ही और आगे की बात बताई है। अच्छा, लगभग कितने आरोपी थे उसमें? लगभग 72 के आसपास थे जो इस समय हुए। कब से चल रहा था वो? 2014 से। कुछ बताएं कि छोटे से क्या प्रकरण था? शॉर्ट मंदिर के लाउड स्पीकर को ताने संबंधित लेकर मामला था। उन लोगों ने उसमें जो भी कुछ आगे सजाम लगाया हो या रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो भी पत्र हो उससे संबंधित ही मामला था। अब उसमें क्या रहा है? अब उसमें सभी को दोष मुक्त कर दिया गया। जिसमें कौन कौन जो मुख्य थे, जो आरोपी बनाए गए थे? इसमें नगर विधायक हमारे रितेश गुप्ता जी थे और माननीय मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी थे। ये कार्यप्रण सन 15 चल रहा था, इसमें 70-75 करीब मिलियन थे और सब मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह व नगर विधायक हमारे रितेश जी, विकास जैन और कांठ के और बहुत से आदमी सब प्रशिक्षित लोग इसमें मुलजिम बनाए गए थे। कहा गया था अभी मैंने पक्ष की ओर से कि मंदिर पर लाउडस्पीकर बनने के ऊपर कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियों ने कुछ एहतराज किया था, इस पर वहाँ को भगदड़ मच गई थी। इस पर प्रशासन ने 144 लगा दी थी। फिर इन लोगों ने मीटिंग करी इस बात पर, प्रशासन की बात को नहीं माना उन्होंने और उस पर जब प्रशासन ने मार दी तो ईंट पत्थर फेंके और प्रहार करा उन्होंने, जान सामान की धमकी दी। तो ये मुकदमा 3-7 IPC का था, अटेम्प्ट टू मर्डर, और धाराएं भी लगाई थी, बलवे की भी लगाई गई थी इस पर और सब इनके चोटें आई थी। सब DM साहब के भी एक आँख पर चोट आई थी, माना जाता था उनकी दृष्टि थोड़ी कम हो गई थी, वो भी यहाँ गवाही में आए थे और पुलिस वाले भी काफ़ी चोटेल थे, वो भी सब लोग गवाही में आए थे और 24-25 गवाहों के इसमें बयान हुए। सभी बयान माननीय न्यायालय ने उनकी जो बयान थे उन्हें नहीं माना और उन्हें माना कि ये लोग जितने अभियुक्तगण बनाए थे वो निर्दोष हैं और इन्हें गलत फंसाया गया है, इन्हें सबको निर्दोष। कब से चल रहा था ये? 2015 चल रहा था। 2014 में जून माह में कांठ तहसील की अकबरपुर चेंद्री गांव में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कांठ तहसील पर बहुत संघर्ष हुआ था। हम लोग सब लोग वहां पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए गए थे। वहां पर हम सब लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग भाग लेने गए थे। महापंचायत नहीं होने दी गई थी प्रशासन के द्वारा और हम सब लोगों को विभिन्न मार्गों पे अरेस्ट कर दिया गया था। पश्चात कुछ लोग जो महापंचायत में भाग लेने आ रहे थे उन लोगों ने विभिन्न स्थानों पे खड़े होकर
प्रशासन का विरोध किया था और उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, लोगों ने भी पथराव किया था जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए थे। हम 62 लोग विभिन्न स्थानों पर जो गिरफ्तार हुए थे उन्हें जेल में निरुद्ध कर दिया गया था। हम लोगों ने 3 माह इस कांड में जेल काटी है। उसके बाद में कुछ और लोगों को भी 120B के तहत सह अभियुक्त बनाया गया था। हम सब लोगों ने उसका संघर्ष किया। माननीय न्यायालय ने आज हमारे पूरे मुकदमे का ट्रायल कराने के बाद हम सब लोगों को बातचीत बरी किया है। हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय न्यायालय के, हम बहुत बहुत आभारी हैं MP MLA कोर्ट के गठन के लिए। हम इस प्रदेश की, इस देश की न्याय व्यवस्था के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और अपने सभी साथियों का जिन्होंने इसमें संघर्ष में साथ दिया, जेल में रहे, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो सब आज न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। हमारे सारे साथी आज बने हुए हैं। पब्लिक TV आपकी आवाज़।